नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कम्युनिटी बाजार में निवेश के कहां कहां पर मौके हैं, आज कम्युनिटी बाजार मंदी की ओर देखने को मिलेगा या तेजी की ओर, जानेंगे रूपा जी से, और ये भी जानेंगे कि आज किन कम्युनिटीज़ में कमाई देखने को मिलेगी। स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में सोने और चांदी से। तो सोने और चांदी में देख रहे हैं कि जो लेवल्स हैं हरे निशान पर तो हैं, लेकिन लोअर लेवल्स लगे हैं पहले के मुकाबले। $1,903 पर है, आधे फीसदी की तेजी है इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में। वहीं सिल्वर $23.8 पर ट्रेड कर रही है, एक फीसदी की बढ़त के साथ। गोल्ड और सिल्वर पिछले कारोबारी सप्ताह ठीक ठाक लेवल्स पर आ गए थे, बढ़त देखने को मिली थी क्लोजिंग होते होते, लेकिन ये जो कारोबारी सप्ताह खुला पहले ही दिन से हमने सोने चांदी में नरमी बनते देखी और वो नरमी आज भी देखने को मिल रही है। गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस हैं भले ही हरे निशान पर आज ट्रेड कर रहे हो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, लेकिन जो फंडामेंटल हैं वो वॉलेटिलिटी वाले ही देखने को मिल रहे हैं। सोने चांदी में हमने हाई वॉलेटिलिटी वाला बाजार देख रहे हैं। डॉलर में तेजी के चलते आज सोने चांदी में हम देख रहे हैं कि मंदी वाले लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या सोना यहाँ से और फिसलेगा या फिर यहाँ से कीमतें ऊपर की ओर जाएंगी, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर हाई वॉलेटिलिटी के साथ ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं कि एक दिन बढ़त तो दो दिन के बाद मंदी आ जाती है, वही दौर हम आज भी होते हुए देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से अब सोने चांदी की जो कीमतें हैं ऊपर की ओर जाएंगी निचले स्तरों से या फिर यहाँ से निचले स्तर और बढ़ जाएंगे? देखिए अभी जो सोने और चांदी की जो चाल देखने को मिल रही है, दरअसल डॉलर में मजबूती और बॉन्ड यील्ड्स में उछाल से फिलहाल सोने की कीमतों में गिरावट बनी है और चांदी भी ऊपरी स्तरों से लुढ़की है। लगातार हम देख रहे हैं कि सोना जो है तो हफ्ते के अप्रोक्सीमेटली निचले स्तरों पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सोना जो है काफी वॉलेटाइल है नो डाउट, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई के बढ़ने की संभावनाएं हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में कमजोरी है, इस तरीके के काफी आउटलुक निकल कर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं सोने को निचले स्तरों पर सपोर्ट भी देते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए अगर महंगाई बढ़ती है और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ में कमजोरी आती है तो सोने को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और अगेन हम देखेंगे कि सेफ हेवन डिमांड बनती हुई नजर आएगी। लेकिन हाल फिलहाल में जो बाजार है वो एक रेंज बाउंड है, नीचे में $1,880 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टूट सकता है और ऊपर में जब $2,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो एक लंबी तेजी की तरफ जा सकता है। तो यानी कि अभी रेंज बाउंड है $1,880 तक डाउन साइड, तो ऊपर में $1,940 की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। आज इंट्राडे में बाजार में थोड़ा सा पॉजिटिव नोट देखने को मिल रहा है, बाजारों में थोड़ी सी तेजी बनी रह सकती है, लेकिन वही डाउन साइड विदेशी बाजारों में हम एक्सपेक्ट करें कि एक बार 1,880 तक नीचे लुढ़ सकते जी। ये सर ऊपर जी बात करें अगर क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल का बाजार हमने पिछले कारोबारी सप्ताह तक तो तेजी की ओर जाते हुए देखा था। ब्रेंड क्रूड ऑयल $107-108 तक था, WTI भी ठीक ठाक लेवल्स पर था $100 के ऊपर। देख रहे हैं WTI अब $100 के नीचे लुढ़क चुका है और ब्रेंड $103 पर ट्रेड कर रहा है। रूपा जी आपको क्या लगता है, प्रोडक्शन तो अभी कच्चे तेल का मार्केट में इतना देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि रशिया के कच्चे तेल पर यूरोप द्वारा बैन और लगाए जा रहे हैं, प्रतिबंध और लगाया जा रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है अब ये जो कच्चे तेल में जो निचले स्तर देखने को मिले हैं ये क्यों देखने को मिले हैं? देखिए कच्चे तेल में जो दरअसल गिरावट आई है वो IMF का ग्लोबल अनुमान घटाने के चलते हमें भाव में दिखाई गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल $100 के नीचे लुढ़क चुका है, क्योंकि IMF ने ग्लोबल ग्रोथ अनुमान घटाने का अंदेशा दिया है। और वहीं चीन के अंदर भी हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी क्रूड के ऊपर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। तो फिलहाल अभी जो स्थिति है मांग में कमी की संभावना से हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल का जो प्राइस है वो नीचे जाता दिखाई दे रहा है और उत्पादन भी नो डाउट इसका कम है और आगे चलकर कच्चे तेल को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ये कोरोना का वेरिएंट थम जाता है तो अगेन हम देखेंगे कि डिमांड पिकअप होगी और सप्लाई ऑलरेडी टाइट है, तो फिर कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए कच्चे तेल की कीमतें भी एक सीमित दायरे में कारोबार करती दिखाई दे रही है। आज इंट्राडे में एक्सपेक्टेड है कि एक बार $100 के ऊपर निकल सकता है मार्केट, $102 $105 मैक्सिमम तेजी में जा सकता है और नीचे में
$90 तक डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। तो यानी कि शॉर्ट टर्म में इंट्राडे परस्पेक्टिव से आज 1640 से 50 रुपए का डाउनसाइड मोमेंटम मिल सकता है जी। यहीं से रुपए जी, बेस मेटल्स में क्या लगता है आपको, क्या बेस मेटल्स में अभी भी कमाई के मौके हैं, क्या जिंक और कॉपर में अभी भी बढ़त बन सकती है? देखिए बिल्कुल बेस मेटल्स में कमाई के मौके हैं और इनमें अभी भी प्राइस जो है अपसाइड में जा सकते हैं। कॉपर अगर आपको 780 के आसपास डाउनसाइड में मिले तो वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाय करने की। वहीं जिंक काफी अच्छा लग रहा है मुझे, करेक्शन आ चुकी है, जो करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 360 तक मार्केट लुढ़क चुका है, वो करेक्शन हमने ऑलरेडी देख ली है। अब यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि जिंक एक बार 368 से लेकर 372 की रेंज वापिस से आज बनाता हुआ एक दो ट्रेडिंग सेशन में दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से बेस मेटल पॉजिटिव है, इनमें बाइंग में रहना चाहिए। एल्युमिनियम भी ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि आज 261-262 का स्तर छूटा हुआ नजर आ सकता है जी। यही सर पर जी बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस देख रहे हैं $60 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। नेचुरल गैस फिर से अपने रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंचती नजर आ रही है। हमने नेचुरल गैस को $8 के ऊपर ट्रेड करते देखा था जो उसका ऑल टाइम हाई था, अब $60 पर ट्रेड करते देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या नेचुरल गैस के जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, या फिर ये जो रशिया से नेचुरल गैस और इसके क्रूड ऑयल पर जो बैन लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से तेजी आ रही है? देखिए दोनों ही स्थितियां हैं। अभी जो सप्लाई का संकट है वो देखने को मिल रहा है रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कीमतों में सपोर्ट आता हुआ नजर आ रहा है और लगातार प्राइसेस ऊपरी स्तरों पर सस्टेन है। इतनी लंबी तेजी जो है मार्केट में देखने को मिल रही है और ये सस्टेनेबल रह सकता है मार्केट, और नेचुरल गैस एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में एक बार 580 के ऊपर निकलता है तो हम 600 तक के भी टारगेट इसमें देख सकते हैं। काफी बुलिशनेस है, 500 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें हर निचले स्तर पर बाय करके चला जा सकता है जी। रूपा जी टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप नॉन एग्री कम्युनिटीज में जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है इस पूरे कारोबारी सप्ताह के मद्देनजर? देखिए नॉन एग्री कम्युनिटीज में मुझे लगता है कि अभी इंट्राडे परस्पेक्टिव से बेस मेटल्स में बाय करके चला जा सकता है। वहीं सोने और चांदी में दबाव बन सकता है, यहाँ पर बिकवाली की रणनीति बनाई जा सकती है जी। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की।